Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self अध्ययन पर आज की tally की TDL classes में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम tally के जो fonts हैं उसको change कर सकते हैं, उसका font का face या font का size हम किस तरीके से वो चेंज करेंगे उसके TDL। आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले टैली डेवलपर 9 को खोलने के बाद आपको जाना होगा न्यू फाइल पर, और न्यू फाइल पर आपको एक TDL बना देना है जो कि मैं डी ड्राइव पर बना देता हूं और जिसका नाम रख देता हूं फॉन्ट। तो इस तरीके से मैंने एक फॉन्ट नाम का TDL फाइल एक ब्लैंक जनरेट करा है, उसे मैं सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कोड को कॉपी किया हुआ है जिसे मैं पेस्ट करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल फॉन्ट्स, क्योंकि स्टाइल की लाइब्रेरी ऑलरेडी टैली के अंदर इनबिल्ड होती है और वहाँ पर जो हमारा फॉन्ट है वो आप देख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ नॉर्मल सेरिफ फॉन्ट हमारा यूज होता है। तो यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कराया है अपने फॉन्ट से। ऊपर हमने एक फॉन्ट नाम का स्टाइल के अंदर पैरामीटर पास कराया जिसमें हमने फॉन्ट दे दिया है मोनोटाइप कोर्सिवा, यानी कि जो हमारा फॉन्ट है जो पहले से था उसे अपडेट होके वो मोनोटाइप कोर्सिवा में बदल जाएगा। जहां पर हमारे कुछ नॉर्मल टेक्स्ट हैं, कुछ लार्ज हैं और कुछ स्मॉल हैं जो ऑलरेडी टैली के अंदर पिछली टॉपिक्स पे जो ऑलरेडी टैली के अंदर इनबिल्ड हैं, तो उसमें हमने यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट्स को बदलाव कर दिया है। हमने यहाँ से फॉन्ट बदल दिया 12। तो लार्ज फॉन्ट किस तरीके से यूज होंगे, स्मॉल फॉन्ट में हमारा थोड़ा बोल्ड होगा और टिनी फॉन्ट, हमारे तीन टाइप के वहाँ पर फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो जो हमारा मेन टाइटल होगा वो हमारा बोल्ड में आएगा स्मॉल में। नॉर्मली हमने 12 फॉन्ट सभी का दे दिया है मोनोटाइप कोर्सिवा। तो इस तरीके से ये TDL हम सेव कर देते हैं और इसे टैली में देखते हैं चलाकर। टैली यहाँ से खोल लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं पुराना फॉन्ट्स यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमें जाना होगा F12 प्रेस करके प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स के अंदर, और यहाँ से F4 करते हुए हमें डी ड्राइव में हमने फॉन्ट नाम से एक TDL फाइल बनाई थी जिसको हम यहाँ से पास करा देते हैं, और वो हमारी टेक्स्ट फाइल थी क्योंकि हमें फिर वही नाम यहाँ पर देना होगा font.txt। जैसे ही हमने ये TDL अप्लाई करा, देखिए आप यहाँ पर फॉन्ट्स जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि TDL में अभी यहाँ पर आपने देखा कि साइज जो हमने 12 दिया था, अगर आप इसे दे देते हैं 20 और कंट्रोल एस से सेव करके दोबारा से F12 प्रेस करके F4 प्रेस करके अपनी फाइल को कॉन्फ़िगर कराएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका साइज अब बढ़ चुका है और आप जो भी चाहें वो फॉन्ट्स का जो फेस है वो बदल सकते हैं। लाइक हम यहाँ से कर देते हैं कॉमिक सेंस MS। जो भी फॉन्ट्स हैं आप देख सकते हैं MS वर्ड वगैरह में खोल के, जितने भी फॉन्ट्स हैं आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं जो विंडोज़ के इनबिल्ट फॉन्ट्स हैं। मैंने इसे सेव करके यहाँ से फिर से F12 प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स पे जाते हुए F4 से इसे पास करा दिया। तो देखिए आप यहाँ पर जो फॉन्ट है वो बदल चुका है, थोड़ा फॉन्ट में मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि कॉमिक सेंस फॉन्ट होता है, यहाँ पे हमने कॉमिक्स कर दिया, इस वजह से वो फॉन्ट्स ठीक तरीके से शो नहीं हुआ। कंट्रोल एस करते हुए हमने यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स पर इसको पास कराया। अब आप देखते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आप जो फॉन्ट रखना चाहें, नॉर्मली 12 फॉन्ट्स हमारा होता है और इसी फॉन्ट्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको फॉन्ट का TDL क्लियर हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा TDL के बारे में। थैंक यू सो मच।